पत्नी, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? मैं घंटों से बोले जा रही हूँ और तुम हो उबासी ले रहे हो। पति, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बोलने नहीं दे रही हो। बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह भी ना मिले, और बीवी इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में भी ना मिले। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लव चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिता पान वाले की दुकान पर पहुंच गए और बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा और पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या, बवाल हो गया। शादी के पूरे 12 साल बाद आज पहली बार पत्नी ने मुझसे माफ़ी मांगी है। वो बात दरअसल यह हुई कि वह अपनी गलती होने के बाद मुझसे बहस कर रही थी और बहस में आखिर हार मानकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी जब मैंने तुमसे शादी की। बस कंडक्टर ने यात्रियों से कहा, भाइयों गेट पर मत लटको, अंदर आ जाओ। किसी ने नहीं सुनी। कंडक्टर ने फिर कहा, तुम्हें अपनी बीवी की कसम है, अंदर आ जाओ। यह सुनते ही सीट पर बैठे लोग भी गेट पर लटक गए। पहले मैं बहुत बोर होता था, फिर मैंने पल्लवी नाम से आईडी बनाई। आज मेरे 573 बॉयफ्रेंड है, उनमें से 14-15 मुझसे शादी करना चाहते हैं। 12-13 सारे दिन मैसेंजर पर बातें करते रहते हैं और 3-4 रात को लोरी भी सुनाते हैं। पहले एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था, लेकिन अब पहले आदमी सफल होता है, फिर औरत आती है। पत्नी, आप जरा जल्दी घर आ जाओ। पति, जल्दी क्यों, काम है क्या? पत्नी, हमारी पड़ोसन भाभी जी घर पर आ रही हैं। पति, रुको 2 मिनट में आया। पति भागता हुआ घर आया और बोला, क्या काम पर आया भाभी जी को? पत्नी, काम तो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, आपकी बहन ने डाक से राखी भेजी है, तो कैसे बांधू, इसलिए पड़ोसन को राखी बांधने के लिए बुलाया है। पति, अभी जूस लेकर मार्केट तक गया है, अभी आता ही होगा।